यार देखो बॉर्डर का ऑस्कर ट्रॉफी का तीसरा मैच हम लोग हार चुके हैं और मैं कहना चाहूंगा यार मतलब बहुत ही गंदी तरीके से आ रहे थे और जिस तरह मतलब हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं करके दिया है उससे मुझे मतलब लग रहा है कि शायद हमें अगले मैच में क्या पता कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। बहुत से लोग भी यही चाहते हैं तो इस वीडियो में ना मैं उसी चेंजेस के बारे में बात करने वाला हूं जो मतलब यार लोगों के मन में है उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो चौथा टेस्ट मैच है ना उसके लिए मतलब न्यूज ये निकल के आ रही है कि वो जो पिच है वो मतलब यार नॉर्मल पिच होने वाली है, कोई रैंक टर्नर नहीं बनाने वाले, जो कि ऑब्वियसली अच्छी चीज है क्योंकि हमें यार डेफिनेटली मतलब यार मैं तो 5 दिन का टेस्ट मैच देखना ही चाहता हूं, 3 दिन के टेस्ट मैच से मैं बोर हो चुका हूं, तो देखते हैं मतलब क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अब जो पहला चेंज बहुत से लोग देखना चाहते हैं वो ये है कि मतलब यार केएस भरत को बाहर करो, ईशान किशन को टीम में लेके आओ, क्योंकि यार केएस भरत ने जो पहले के 3 मैचेस थे वहां पर कोई अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिया है। ऑब्वियसली यार मतलब हम लोग रन एक्सपेक्ट कर रहे थे केएस भरत से जो कि उनके बल्ले से नहीं निकले हैं। लेकिन क्या हमें केएस भरत को इन 3 मैच से जज करना चाहिए? क्योंकि यार मैं सही बताऊं ये जो पिचेस थी ना वो बहुत ज्यादा रैंक टर्नर थी, हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था कुछ बल्लेबाजों को छोड़ के। तो मैं कहना चाहूंगा केएस भरत की बैटिंग एबिलिटी को इन 3 मैचेस के बेसिस पे जज करना कुछ ज्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि यार मतलब डोमेस्टिक में इस बंदे ने बहुत ज्यादा रन बनाए हैं, 37 का जहां पे कोई इसका एवरेज भी था। वहीं ईशान किशन जिसे मतलब यार लोग चाहते हैं कि मतलब अगले मैच में वो विकेट कीपिंग करे, उसकी एक तो कीपिंग केएस भरत से ज्यादा अच्छी है नहीं। ऑब्वियसली केएस भरत ज्यादा अच्छा विकेट कीपर है, वहां पर को भी केएस भरत के पास एडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ईशान किशन के पास क्या है बताए कि वो मतलब यार नॉर्मल पिचेस पे ही स्पिन को नहीं खेल पा रहा था। जैसे मतलब तुमने ओडीआई सीरीज देखी होगी या फिर T20 सीरीज देखी होगी, वहां पर कोई स्पिन के खिलाफ जो उसका स्ट्रगल चल रहा था वो किसी से छुपा तो है नहीं। तो यार मतलब ऐसी पिचेस में अगर वो खेलेगा तो ऑब्वियसली मतलब यार ज्यादा अच्छे चांसेस नहीं है कि वो रन बनाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा केएस भरत को एक और मौका मिलना चाहिए अगले टेस्ट मैच में। मतलब यार विकेट कीपर वाली पोजीशन में तो कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, केएस भरत को कंटिन्यू करना चाहिए, मैं उसे एक मौका देना चाहूंगा डेफिनेटली। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप मतलब अगले मैच में केएस भरत को खेलते हुए देखना चाहते हो। अब जो दूसरा चेंज बहुत से लोग देखना चाहते हैं वो ये है कि मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर किया जाए। देखो यार मोहम्मद सिराज ने ना रिसेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन यार इस बॉर्डर का उसका ट्रॉफी में ना वो अपने ब्राइटेस्ट वर्जन का खाली पेल शेडो बन के रह गए बताए। मतलब देखो उमेश यादव एक मैच खेलता है वो भी उसमें विकेट लेके जाता है, मोहम्मद शमी ने भी मतलब पहले टेस्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी उसने भी विकेट लिए थे, लेकिन सिर्फ मोहम्मद सिराज ही एक ऐसा बंदा है जिसने मतलब यार विकेट्स नहीं ले रहे। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि सिराज को बाहर किया जाए, उसके बदले किसी दूसरे प्लेयर को टीम में लाया जाए, लेकिन लेके किसको आया जाए बहुत सारे ऑप्शंस है पता है, और वो डिपेंड करता है कि पिच कैसी होने वाली है। अगर मतलब रैंक टर्नर टाइप की पिच है तो मुझे लगता है कुलदीप यादव को नहीं लाना चाहिए, मुझे लगता है उसके बदले लाना चाहिए किसी बैटर को, या तो सूर्य कुमार यादव को लेके आओ जो कि मतलब यार अपोजिशन से गेम को छीन के ले जा सकता है क्योंकि ऑब्वियसली वो तेज खेलता है, या फिर केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में एक और मौका दिया जाए। तो बैटर में मुझे लगता है कि ये दोनों का चांस बन सकता है, लेकिन अगर पिच नॉर्मल है जैसे कि मतलब सोर्सेज से सुनने में आ रहा है तो मुझे लगता है 2 फास्ट बॉलर तो होने चाहिए। तो मोहम्मद शमी का केस बहुत ही अच्छा है, ऑब्वियसली यार मुझे लगता है मोहम्मद शमी को अगले मैच में आना चाहिए अगर वो फिट है और वो खेलने के लिए तैयार है। तो मतलब यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, अगर हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचना है तो ये मैच जीतना डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है अगर मतलब यार नॉर्मल पिच है तो फास्ट बॉलर को डेफिनेटली असिस्टेंस वहां को मिलने वाली है, मोहम्मद शमी अच्छा यूज कर सकते हैं। तो अगर मतलब सिराज को बाहर करना ही है तो मोहम्मद शमी मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया बैट हो सकता है नॉर्मल पिच पे। ठीक है, अब जो तीसरा चेंज बहुत से लोग देखना चाहते हैं वो है कुलदीप यादव का। मतलब यार बहुत से लोग चाहते हैं कि कुलदीप यादव को भी टीम में होना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर हमारे पास अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और अश्विन पहले से ही है ना तो कुलदीप यादव टीम में नहीं आना चाहिए और वो आएगा भी नहीं। क्यों बताऊं? क्योंकि यार देखो 4 स्पिनर हो जाएंगे। अब देखो अक्षर पटेल 3 स्पिनर थे जब हमारे पास, तो अक्षर पटेल ही अंडर यूज चले गया, मतलब यार रोहित शर्मा ने ज्यादा यूज तो किया नहीं। अब सोचो अगर 4 स्पिनर होंगे तो डेफिनेटली 2 स्पिनर तो यार अंडर यूज होने ही वाले हैं। कुलदीप यादव का भी सेम मुझे लगता है कि यही केस होगा अगर वो विकेट नहीं ले पाया जल्दी शुरुआत में। मैं तो 4 स्पिनर के फेवर में नहीं हूं, लेकिन अगर कुलदीप यादव को तुम टीम में लेके आना चाहते हो तो सबसे बढ़िया बैट कौन सा होगा पता है? अक्षर पटेल को बाहर करो, कुलदीप यादव को टीम में लेके आओ। क्योंकि यार देखो पहला तो मतलब यार रोहित शर्मा को अक्षर पटेल पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मतलब यार रिसेंट में जितनी भी सीरीज हुई है ना वहां पर को मैं ये पैटर्न देखते आ रहा हूं कि रोहित शर्मा यार मतलब अक्षर पटेल के ऊपर बहुत कम रिलाई करते हैं, फिर चाहे वो बॉलिंग हो या फिर बैटिंग हो। तो मुझे लगता है अगर कुलदीप यादव को टीम में लेके आना है तो अक्षर पटेल ही बाहर जाने वाला है। और यार अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस इस बॉर्डर का उसका ट्रॉफी में थोड़ा मतलब ऐसा ही रहा है। मतलब देखो बॉलिंग में सिर्फ 1 विकेट लेके गया है, अब वो टीम में इसलिए खेल रहा है क्योंकि वो ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर सिर्फ 1 विकेट ले रहा है तो डेफिनेटली जस्टिफाई तो वो भी नहीं कर रहा है। बैटिंग में भी मतलब यार ठीक है उसने रन बना रखे 185 रन बना रखे, लेकिन जो सिर्फ 1 विकेट ले रखा है वो डेफिनेटली मतलब थोड़ा चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है अगर मतलब कुलदीप यादव को टीम में लेके आना है तो अक्षर पटेल डेफिनेटली बाहर जाना चाहिए। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है, होप आपको पसंद आई होगी।